हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रॉफिट गुरु चैनल में एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, ये जो पांच शेयर आप लोगों के सामने पेश होने जा रहे हैं, ये मार्केट के एक तो दिग्गज स्टॉक है, ठीक है, जिनका नाम चलता है मार्केट में, ठीक है। और इनमें एक तो रिकॉर्ड तेजी आई हुई है लास्ट एक महीने से, एकदम धमाकेदार वाली। क्या आप लोगों के पोर्टफोलियो में है या ना, ठीक है, ये हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर रखते हैं तो क्या होगा, अगर नहीं रखते हैं तो क्या होगा, ये भी हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कौन से पांच स्टॉक है। उससे पहले आप लोगों को एक और चीज़ मैं बोलूँगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आप लोगों के लिए प्रॉफिट ग्रुप की क्लास चैनल का लिंक दिया है, जाइए फटाफट से उस चैनल को विजिट करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आज के दिन वहाँ पर बेहतरीन स्विंग ट्रेड का स्टॉक वाला जो वीडियो है वो अपडेट हो चुका है। इस वीक में लगभग 200 पॉइंट तक का टारगेट आपको दोस्तों उस स्टॉक में मिल सकता है स्विंग ट्रेड में। तो जाके फटाफट से उस वीडियो को देखिए और अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए चलते हैं फर्स्ट स्टॉक के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, लगभग फर्स्ट स्टॉक जो है उसका प्राइस है 2026.90, ठीक है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में उतना कुछ मोमेंटम हुआ नहीं, यहाँ पर हुआ था, आप अगर देखेंगे तो अच्छे खासे प्राइस तक गया था स्टॉक। इसका अगर प्रीवियस क्लोज आप देखेंगे तो 2024 का था, ओपन हुआ था 2030, हाई लगाया 2052.35 और लो लगाया था 2013.90। ये स्टॉक दोस्तों वॉच लिस्ट में रखने लायक है, ठीक है। और अगर आपने इंट्राडे करते समय इसे वॉच लिस्ट में रखा हो तो आपको प्राइस देख के पता चल गया होगा कि हम कौन से स्टॉक से रिलेटेड बात कर रहे हैं। नहीं भी पता तो कोई दिक्कत नहीं, आगे तो हम बताने वाले ही हैं। ये देखिए 2052.35 अपने को लास्ट ट्रेडिंग सेशन का ही 52 वीक का हाई देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी आप मिला के चल सकते हो। उसी के साथ साथ देखेंगे लास्ट 5 दिन लगभग 1.5% की तेजी, एक महीने में 19-20% की तेजी, लगभग 300 पॉइंट ये स्टॉक है ना लास्ट एक महीने में भाग चुका है और रिकॉर्ड तेजी हमें देखने को मिली है। लास्ट 6 महीने में 14% है, लास्ट एक साल में देखेंगे 58% स्टॉक भागा हुआ है, 5 साल में 160% स्टॉक भागा हुआ है और ओवरऑल का परफॉर्मेंस देखेंगे तो कंपनी मार्केट में मात्र 2.40 रुपये से आया था, कब, 2001 में, और आज 2040 रुपये पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लगभग दोस्तों 84,350% का रिटर्न स्टॉक देखे खड़ा हो चुका है। ये देखिए कितना मैसिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो आगे भी दोस्तों अगर आप लोगों को ऐसा ही रिटर्न चाहिए ना तो ज़रूर इसमें आँख कर बंद करके अपना इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये स्टॉक है दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक। अब आपको पता है कि कोटक महिंद्रा बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक में कितना नाम कमाया हुआ बैंक है, ठीक है, जिसका मार्केट में अच्छा वैल्यू भी है, ठीक है, और जो बैंक है उसका प्रदर्शन भी हर क्वार्टर्स में अच्छा रहता है, ठीक है, सालाना तौर पर भी अच्छा रहता है और सभी बैंकों के अकॉर्डिंग अच्छा खासा पार्टिसिपेट मार्केट में करता है। तो ज़रूर दोस्तों इसको फोकस में रख के चलिएगा, ठीक है। ज़ोरदार तेज़ी हमें आगे भी दिखा सकता है। आप चलते हैं सेकेंड स्टॉक के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये केमिकल स्टॉक है, ठीक है, केमिकल स्टॉक है, केमिकल कंपनी का स्टॉक है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी लगभग 4.5% की तेजी आई थी, ठीक है, 886.60 रुपये पे क्लोज हुआ। अगर आप देखेंगे लगभग दोस्तों 851.90 रुपये पे क्या होता है, ओपन होता है, ठीक है, हाई लगाता है 901.70 रुपये, लगभग 50 पॉइंट का मूवमेंट, और लो लगाता है 851.25 रुपये, ठीक है। उसी के साथ साथ 52 वीक का हाई देखेंगे तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का ये देखें 901.70 रुपये का, एकदम ज़ोरदार मोमेंटम करने वाला स्टॉक है, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखेंगे ना स्टॉक तो लास्ट 5 दिन में देखिए 7% ये स्टॉक भाग चुका है, 7%। एक स्विंग ट्रेड स्टॉक को तो बहुत अच्छा रिटर्न मिल गया होगा, एक महीने में सेम उतना ही, 6 महीने में 19% भागा है स्टॉक, लास्ट एक साल में स्टॉक 200% भागा है, लास्ट 5 साल में देखेंगे स्टॉक मात्र 70% भागा है। ओवरऑल का परफॉर्मेंस देखेंगे तो ये स्टॉक मार्केट में लगभग 2000 से आया हुआ था, ठीक है, यहाँ तक देखेंगे तो अच्छा खासा रिटर्न दिया था, फिर बड़ा डीप लगाया, ठीक है, बड़े डीप लगाने के बाद एकदम ज़ोरदार मोमेंटम देके खड़ा हो गया, ठीक है। तो दोस्तों अब आपको तो पता है कि पहले जितने भी केमिकल स्टॉक थे, केमिकल सेक्टर ही आप बोल सकते हो, कितना कंसोलिडेट कर रहा था, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ अलग ही बदलाव दिख रहा है। कोरोना आता है, ठीक है, कोरोना आने के बाद फ्लैट हो जाता है, फिर तेजी आती है। तो ये जो तेजी है क्यों आती है दोस्तों, क्योंकि इस समय पे या इसके पहले जब तेजी थी, यहाँ मतलब ये आप बोल सकते हो, इस समय जब आप बोल सकते हो कि
केमिकल का उतना उपयोग नहीं होता था, ठीक है, और ना कोई पसंद करता था केमिकल का उतना उपयोग करना। लेकिन जब यहाँ पर जब कोरोना आया, ठीक है, पेंडेमिक आया, तो यहाँ पर सभी व्यक्ति, मतलब ये गिरावट पे सभी व्यक्ति, सभी बड़ी बड़ी कंपनियाँ केमिकल का यूज़ करने लगी, ठीक है, कोरोना से लड़ने के लिए बड़े बड़े प्रोडक्ट बनने लगे दोस्तों, ठीक है, जिसमें केमिकल यूज़ होने लगा। तो जिसके कारण केमिकल सेक्टर क्या हो गया, बूम हो गया। अब आपको पता ही होगा दीपक नाइट्राइट, नवीन फ्लोरीन, SRF और बहुत सारे दिग्गज दिग्गज स्टॉक, कितनी शानदार तेजी। उसमें से ये एक स्टॉक है और अच्छे खासे ग्रुप से बिलोंग करता है, जिसका नाम है टाटा केमिकल लिमिटेड। अब टाटा ग्रुप कितना बड़ा है दोस्तों, जो केमिकल सेक्टर में भी अपना काम करता है, ठीक है। तो केमिकल स्टॉक मतलब दोस्तों बूम बूम बूम, तो जरूर आप इसको फोकस में रख के चल सकते हो, ठीक है। सेकंड आप लोगों के लिए बेस्ट ये स्टॉक है, ठीक है। आप चलते हैं थर्ड स्टॉक के ऊपर, तो यहां पर आप देख सकते हो थर्ड स्टॉक का प्राइस है 6,250 रुपए का, 350% की तेजी, ठीक है, 3% की तेजी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। देखिए ओपन हुआ था स्टॉक कब, 6,170 रुपये पे, प्रीवियस क्लोज देखिए 6,036 रुपये का, धमाकेदार गैप ऑफ ओपनिंग। हाई अगर देखेंगे तो लगभग 6,498 रुपये का, लो देखेंगे तो 6,100 रुपये का अप्रॉक्सीमेट। यहाँ से अगर हाई को कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट आप मान लीजिए 500 पॉइंट का मूवमेंट इसने एक ही दिन में दिखाया। ये 52 वीक के हाई को ध्यान से देखिए, ठीक है, 52 वीक का हाई सेम आपको यहीं पर देखेगा, ये देखिए 6,498 रुपये 50 पैसे, है ना, एकदम धमाकेदार स्टॉक, ठीक है। अब देखिए लास्ट पाँच दिन में स्टॉक कितना भाग गया है, 8.5%, एक महीने में भयंकर 21%, लगभग 1,000 पॉइंट, 6 महीने में 58%, एक साल में लगभग दोस्तों स्टॉक 146% भागा है, लास्ट 5 साल में स्टॉक दोस्तों 911% भागा है। ओवरऑल का परफॉर्मेंस देखेंगे तो कंपनी मार्केट में 2016 से आई है और अभी तक लगभग 800% रिटर्न देके क्या हो गई, मार्केट में खड़ी हो गई। ये स्टॉक है ना, कभी भी दोस्तों बोनस दे सकता है, कभी भी स्प्लिट दे सकता है, क्यों, क्योंकि दोस्तों देश के नंबर वन जो अभी लीड कर रहा है मार्केट में, उस सेक्टर से ये बिलोंग करता है। अगर आप देखेंगे ना कंपनी का नाम तो धमाकेदार, कंपनी का नाम है लार्सन एंड टोब्रो इन्फोटेक लिमिटेड। ये आईटी सेक्टर से बिलोंग करने वाला स्टॉक है, ठीक है, और इनकी तो अभी लॉटरी लगी हुई है, क्यों, क्योंकि जो दुनिया की नंबर वन कंपनी है एक्सचेंजर यूएस में, यूएस लिस्टेड, यूएस बेस्ड कंपनी, उसने बेहतरीन नंबर पेश किया अपने क्वार्टर फोर्थ के, तो अनुमान लग चुका है कि सभी आईटी कंपनियां क्वार्टर सेकंड के रिजल्ट जो एकदम धमाकेदार पेश करने वाली है। आज की डेट है दोस्तों 25 सितंबर, इसको नोट कर लीजिए, 27 सितंबर को मार्केट ओपन होगा, इसको अगर आपने पकड़ लिया तो 10-15 दिन या एक महीने के अंदर अंदर स्टॉक आपको 1,000 पॉइंट का रिटर्न तो दे ही देगा, ठीक है, तो जरूर इसको फोकस में रख के चलिएगा। आप चलते हैं हम चौथे स्टॉक के ऊपर, तो यहां पर अगर आप देखेंगे ये स्टॉक ने दोस्तों लास्ट ट्रेडिंग सेशन में लगभग 2.5% का तेजी दिखाया है, 5,860 रुपये 60 पैसे पे क्लोज हुआ है, ठीक है। आप अगर देखेंगे 5,764 रुपये 70 पैसे पे स्टॉक ओपन होता है, ठीक है, हाँ, हाई लगाता है 5,971 रुपये 90 पैसे, इस हाई को नज़र में रखिएगा क्योंकि यही आपको 52 वीक का हाई भी दिखेगा, लो 5,733 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 52 वीक का हाई आपको देखने को मिल रहा है 5,971 रुपये 90 पैसे, एकदम धमाकेदार वाला मोमेंट, ठीक है। लास्ट 5 दिन में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में 3.5% की तेजी है, एक महीने में 20% की, मतलब 1,000 पॉइंट की एक महीने के अंदर अंदर, 6 महीने में 121% की भारी भरकम तेजी, लास्ट 1 साल में अगर आप देखेंगे दोस्तों तो लगभग 350% की तेजी, लास्ट 5 साल में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक है ना मार्केट में 2016 से दिख रहा है आपको 700-800% का रिटर्न। ओवरऑल का परफॉर्मेंस देखेंगे तो ये स्टॉक है ना मार्केट में बहुत पुराना है और लगभग दोस्तों आपको देखने को मिलेगा क्या कि 16,650% का रिटर्न, ठीक है। यहाँ तक तो स्टॉक का कुछ मूवमेंट नहीं था 2014 और उसके बाद देखिए एकदम धमाकेदार मूवमेंट। तो दोस्तों ये स्टॉक भी आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है जिसका नाम है टाटा एल्क्सी लिमिटेड और टाटा ग्रुप कितना बड़ा है ये तो आपको पता ही है। अभी टाटा केमिकल का स्टॉक आपको बताया, अब टाटा एल्क्सी जो एक मिड कैप आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है, तो जिसके लिए इसको भी फोकस में रखिए, ये जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है ना ये आगे भी आपको मिलेगा, ठीक है। अब चलते हैं हम आखिरी और दिग्गज स्टॉक के ऊपर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो
ये स्टॉक में 3.5-4% की तेजी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिली। स्टॉक का प्राइस आ गया था कहाँ पर दोस्तों, 3445 रुपये पर। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ओपन होता है 3330, ठीक है, हाई लगाता है 3505, लो लगाता है 3320। ये जो ये हाई है ना 3505, इसको नज़र में रखिए, क्यों, क्योंकि यही आपको 52 वीक का हाई भी देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए पांचों स्टॉक के नए 52 वीक के हाई दोस्तों लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिले। क्यों, क्योंकि मार्केट में ही पूरा नया ऑल टाइम का हाई देखने को मिला है। रिकॉर्ड तेजी इन पाँचों स्टॉक में और पूरे स्टॉक मार्केट में। लास्ट 5 दिन में स्टॉक 4.5% भागा है, 1 महीने में 13%, 6 महीने में 37%, लास्ट 1 साल में 77%, 5 साल में 200% और ओवरऑल का परफॉर्मेंस लगभग दोस्तों 28,898%। इतना रिटर्न दे चुका है ये अपने शेयर होल्डर को। ठीक है, यहाँ पर अगर देखेंगे तो 2000 में आया था लगभग 11.88 रुपये से, और आज देखिए कहाँ पर ट्रेड कर रहा है। इस बीच में कितना डिविडेंड भी दे दिया होगा, क्योंकि दोस्तों ये जिस इंडस्ट्री में बिलोंग करता है ना, वो इंडस्ट्री का ये लीडर है। ठीक है, लीडर सबसे ज़्यादा मार्केट जो है ना, इस लोकल मार्केट इसने कैप्चर करके रखा है। इसका नाम है दोस्तों एशियन पेंट लिमिटेड, पेंट सेक्टर का बेहतरीन स्टॉक। आगे हो सकता है कि पूरे ग्लोबली बाजार का ये दिग्गज नंबर 1 पेंट कंपनी बन जाए। क्यों, क्योंकि इसका जो उत्पादन है वो बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, और गवर्नमेंट जो जिस राज्य में ये बिलोंग करती है कंपनी, ठीक है, विशाखापट्टनम, उस वो गवर्नमेंट भी इसको काफ़ी हेल्प कर रही है। क्यों, क्योंकि दोस्तों ग्लोबली मार्केट में अगर ये नंबर 1 कंपनी बन गई ना, तो इतना बड़ा फायदा उनको भी होगा और साथ में कंपनी को तो होगा, कंपनी को अगर हुआ उनको हुआ तो हमें तो 10 गुना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो जरूर दोस्तों एशियन पेंट पे भी फोकस करिए। ठीक है, ये जो पांचों स्टॉक मैंने आपको बताए, एकदम पेनी नज़र, जो शार्क की नज़र है ना, पेनी नज़र, उसके जरिए इन पे फोकस बना के रखिए और जितनी जल्दी हो सके उठा के अपने पोर्टफोलियो में इनको जगा दीजिए। ठीक है, तो ये पांचों बेहतरीन स्टॉक थे जो देख के आपको बहुत पसंद आए होंगे। तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे बेहतरीन वीडियो, ऐसे बेहतरीन स्टॉक हम आप लोगों तक लाते रहते हैं लॉन्ग टर्म और स्विंग ट्रेड के। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों।